मेरे से भी मेरे बहनों में होती हैं, तो वो हम कॉल पे सॉल्व कर लेते हैं, मिल के सॉल्व कर लेंगे। एक ही चीज पे करने दी गई थी कि फैमिली को नहीं ले आना है कभी भी, मेरे को, मेरे हस्बैंड ने, मेरे फैमिली मेंबर ने। आपको मैं, हस्बैंड और मेरी बेटी दिखती है, लेकिन हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। और हर हट जो अंदर जो भी दीदी हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। मेरे बड़े भाई बहन को प्रणाम और मेरे छोटों को खूब सारा प्यार। उम्मीद करती हूं कि आप सब अपने घर में खुश, स्वस्थ और मस्त होंगे, और जो भी मेरे वीडियो को देखेंगे, माता रानी आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा दुखी मन से और बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर बना रही हूँ, और उम्मीद करूँगी कि आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं घास निकाल रही थी, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा अगर मेहनत करूँगी तो घास जो है वो निकल जाएगी आराम से, क्योंकि बारिश हो रही है आजकल, तो ज़मीन गीली रह रही है, हाथ से भी निकोटने पे निकल जा रही है, लेकिन नाखूनों में मिट्टी फंस जाती है, जिसके बाद में बहुत पेन होने लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, अपना घर का काम है तो करने में कोई दिक्कत नहीं। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मौसम ऐसा हो रखा है ना कि भगवान गरज रहे हैं और भगवान बरसने को तैयार हैं, और हमारा जो है वो गेहूं बाहर है। तो मैं तो यही विनती करूंगी कि आज बारिश ना हो, लेकिन मेरे विनती करने या ना करने से भगवान, लेकिन बहुत सारे लोगों को बारिश बहुत ज़रूरी है। मैं बस एक दो घंटे के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे घर में गेहूँ का काम चल रहा है। मैं आपको क्लिप शेयर कर दूँगी। और मैं आ गई थी आंगन में, ये देखिए घास की जड़ें, की मैं जड़ से निकाल ही नहीं पाई, कितनी ज़्यादा लंबी है। आई होप कि ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, और आज मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पे बन रही है तुरई की सब्जी, और आज बहुत कुछ हुआ है। मैं आपको आगे, आपने देख लिया होगा, मैंने गेहूँ दिखा दिया था आप लोगों को, गेहूँ जा रहा है, गेहूँ के बोरियों के पास भी बहुत सारा गेहूँ चला गया है सुबह से। और मैं आज इतना लेट हुआ है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत खाने के लिए लेट हो गया। और आज मैं फिर से स्कूल नहीं गई, हफ्ते के 3 दिन स्कूल गई, 3 दिन नहीं गई। मैं अपनी गलती खुद बता रही हूँ, कितना मतलब ईमानदार महान मेरा बच्चा है। ओ मम्मी से इंस्पायर्ड हूँ। हाँ, तो मुझे ना बहुत सारी चीजें आप सबके साथ बहुत चीजें शेयर करनी है, तो प्लीज वीडियो को देखिएगा। बस मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊँ, मैं बस आटा गूंद के और 4 रोटियां सेक लूँ, पहले रम्मी के पापा को दे दूँ, फिर मैं आपसे आराम से बैठ के बात करती हूँ। खाली रोटी सब्जी बेटा, बिस्तर का तहार बहुत अच्छा बा। यहाँ पे मम्मी काट रही हैं आम, और ये 4 आम खाएंगे, क्योंकि जब तक सीजन है ना तब तक हम लोग खाने के बाद, जैसे आम या फिर नाश्ते में आम। तो ये तो मतलब छोटे वाले दशहरी है, इतने टेस्टी दशहरी आम आए हैं, फ्रिज में हैं, इतने बड़े बड़े, बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छे। और हम लोग कल से कल 5 किलो आम आया था, और लग रहा है आज खा जाएंगे पूरा। हाँ, अभी किचन भी साफ करना है मम्मी को। तो क्या करोगी बेटा, खाने के बाद तो किचन गंदा हो ही जाता है ऐसे भी। तो ये देखिए, यस, तेरे को सॉस बनाना है, तेरे को भेजे बेटा, बनाओ बेटा, नीचे में
फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी रील वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि पानी लगा था और अरम्या के पापा पास में ही खड़े थे, हंस भी रहे थे, बोल रहे थे कि मेरा घर किसी स्टूडियो से कम नहीं है, इधर घास भी है, पानी भी है, फूल भी है, छत भी है, मतलब सब चीज़ें हैं, बस तुमको ना एंगल आना चाहिए कैप्चर करने का, ना बस तुमको तरीका आना चाहिए। और मुझे वो वीडियो शूट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं, और जब बहुत अच्छी वीडियो बन जाती है ना, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें रोल अरम्या का रहता है, क्योंकि वो कैमरा वही हैंडल करती है, मतलब रील मेरे जो शूट होते हैं, तो लेकिन वो क्रेडिट अरम्या के पापा ले लेते हैं कि मेरा घर ऐसा मेरा घर वैसा, तो अभी हम सॉन्ग सेलेक्ट कर लेते, लेकिन जब गाना ढूंढिए तब नहीं मिलता है, लेकिन जब नहीं ढूंढिए ना तब मिलने लगता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे मेरी बनती है रील, और फिर उसके बाद में ये इंस्टाग्राम पे आप लोग ज़रूर देखिएगा। मुझे आप सबसे कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी थी, तो आप लोग उन बातों को भी मेरे ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर रील बनने के बाद मैं देख लेती हूँ मैं, और मैं एक ही बार में वैसे डन कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं अच्छी लगती तो ही मैं फिर से बनवाती हूँ, नहीं तो मेरा आदत ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा बना रहा होता है तो मुझे लगता है कि नहीं मैं उसको परेशान नहीं कर सकती हूँ, फिर वो फिर से बनाने लगी। और यहाँ पे मेरे को बैठना पड़ गया था, और पानी के बीच में बैठ के, तो ये बड़ी हंसी आ रही थी और अरम्या के पापा उधर बैठ के हंस रहे थे। तो इतनी सारी मेहनत होती है कैमरे के पीछे, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप लोग खुद ही देख लीजिए, एक बार में नहीं हुआ तो फिर फेंकिए, फिर ऐसे करिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी वीडियो बन गई है, और अब मैं बैठूँगी, जो ज़रूरी बात मुझे आप सबसे करनी है वो मैं आप सबसे करूँगी ही करूँगी। इतने सारे एलिगेंट्स, मतलब एलिगेंट्स का मतलब क्या होता है, आरोप लगे हैं कि कॉन्ट्रोवर्सी की हो तुम, और कॉन्ट्रोवर्सी इसलिए की हो ताकि चैनल को ग्रो कर पाओ, और मैं अपने चैनल के लिए, मुझे नहीं लगे हैं गोलू प्रियंका के चैनल के लिए, कि तुमने जो वीडियो डाला उससे अच्छा खासा तुमने अपनी बहन के चैनल को वो किया है, और उनको उनके चैनल पे इतने हेट कमेंट की देखा होगा आपने, उनकी वीडियो भी नहीं आई है। तो एक चीज़, दो चीज़, तीन चार पाँच छः चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। पहली चीज़ है कि मेरा चैनल आज 4 सालों से है, और 4 सालों से बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा, भले ही व्यूज़ कम, पैसे कम, लाइक कम, शेयर कम, कमेंट कम, लेकिन एक अच्छा वीडियो, एक अच्छा ब्लॉगिंग मैंने आज तक करी है। दूसरी बात कि वो मैंने बोला था जो लोग गलत कमेंट करते हैं उनके लिए, ना कि मैंने अपने बहनों के लिए। मैंने लाइफ में, हम लोग कभी ज़िंदगी में वो दिन नहीं आएगा कि हम लोग अपनी ही बहनों के साथ में मैं ये चीज़ें करूँगी। अगर इस तरीके की चीज़ें, अगर भगवान ने कहा कभी 1% हुई, लड़ाइयाँ सब में होती हैं, मेरे से भी मेरे बहनों में होती हैं, तो वो हम कॉल पे सॉल्व कर लेते हैं, मिल के सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी बोल के सॉल्व कर लेते हैं, छोटा छोटी करके सॉल्व कर लेते हैं, या फिर प्यार से कर लेते हैं, यूट्यूब पे आके तो कभी नहीं। और आपको लगता है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरे खुद के फैमिली में, मायके ससुराल, जो मैं डालूँ ना, मैं फैमिली को ले आऊँ ना, चीचा इधर करूँ, घर की इज्जत को ही नीलाम करने पे तुल जाऊँ, तो इतने कंटेंट है ना, यकीन मानिए कि वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नहीं, मेरे लिए मुझे ब्लॉगिंग एक ही चीज़ पे करने दी गई थी कि फैमिली को नहीं ले आना है कभी भी, मेरे को, मेरे हस्बैंड ने, मेरे फैमिली मेम्बर ने। आपको मैं, हस्बैंड और मेरी बेटी दिखती हैं, लेकिन हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, और बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग घर में रहते हैं, फिर भी मैं किसी को नहीं दिखाती हूँ, और मैं सिर्फ 3 लोगों को दिखा के अपना वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे सामने कोई बैठा रहता है, फिर भी मैं इतनी सफाई से या इतनी अच्छे तरीके से वीडियो, क्योंकि मेरी फैमिली ने यही है कि इंक्लूड नहीं करना है, और मतलब कि कोई भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों नहीं, तो नीलाम करने पे आई है ना, तो इतनी सारी चीज़ें हैं ना, ट्रस्ट मी, कि मैं क्या बताऊँ। और मेरी फैमिली में नहीं, सबकी फैमिली में होता है, जिनको अच्छा लगता है अपने फैमिली का तमाशा बनवाना वो कर सकते हैं या करते ही होंगे, तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कि आप तुम फैमिली का तमाशा बना दी, बहनों का तमाशा बना दी, तो तुमने जानबूझ के कॉन्ट्रोवर्सी किया, तुम कॉन्ट्रोवर्सी करना चाहती हो, बहती गंगा में हाथ धो रही हो, और पता नहीं क्या 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 है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इतनी कमेंट आए हैं ना मेरे गोलू प्रियंका के चैनल पे, तो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पे तो फिर भी कम, वो मुझे कल कॉल करके बोल रही है दीदी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी बीच में बात हुई कि नहीं चाहिए था, ऐसा क्या फ़ायदा, मतलब 7 महीने से उनका चैनल है, अभी तक उनकी, मतलब क्या बोलूँ आपको, अर्निंग के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं ही बोलती थी कि मेरी बहन कभी यूट्यूब पे नहीं आएंगी, आना होता तो बहुत पहले आ गई होती, अभी कितने लाख उनके सब्सक्राइबर होते हैं। वो सिर्फ इसलिए, देखिए गोलू ने सीटेड के लिए वीडियो बनाया है कि एजुकेशन, मतलब वो अच्छी वीडियो, कुछ मेमोरेबल, अपनी मेमोरी चीज़ें, कहीं जाती हैं, घूमती फिरती खाती हैं, तो अपना डाल दिया, उनका ये नहीं है काम, वो अच्छे खासा पढ़ाई कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, मतलब अभी तो कुछ जॉब में प्रॉब्लम आई है, आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, मस्त हैं, उनकी लाइफ का दूसरा एम है, यूट्यूब पे आना एम नहीं है। मैंने ही वो चैनल बनाया हुआ था, वो मेरा ही चैनल था, और मेरे एक दिन मन में आया, और अरम्या के पापा ने बोला
हम लोगों की फैमिली में ये डिस्कस हुआ। ऐसे नहीं कि मैंने चैनल बना दिया वो चैनल चलाने लगी, फिर मैंने उसका नाम रखा मैंने और फिर उन लोग को दे दिया कि लोग कभी कभी मन करेगा तो तुम करती रहना। ऐसा नहीं कि उसे अर्निंग होती है, अभी एक भी सैलरी उनकी एक भी सैलरी नहीं आई है। अगर वो चाहती रोज़ वीडियो डालती तो अब तक 7 महीने 6 महीने हो गए होंगे, सैलरी वैलरी आ गई होती, अच्छी खासी अर्निंग कर रही होती। तो अर्निंग का अगर होता तो रोज़ वीडियो डालती, रोज़ हम लोग क्रिएट करते, कॉन्ट्रोवर्सी करते और कब का व्यूज़ कमाते, मैं भी वो भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और भगवान न करे कि कभी ज़िंदगी में ऐसा दिन आए कि लाइफ में फैमिली को बदनाम करके या फैमिली को पेश करके कभी पैसे कमाने पड़े या चीज़ें करनी पड़े, तो बिल्कुल नहीं। तो जो इस तरीके की सोच रख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि सो प्लीज़ आप या तो वीडियो को टाइटल थंबनेल अभी भी देखिए। मैंने एक वाइट कलर की साड़ी के साथ में रील डाला था जो कि मुझे प्रमोशन के लिए मीशो से आई हुई थी। वो साड़ी की बहुत तारीफ़ किए लोगों ने और उस साड़ी का जब मैंने डाला ना, इतने लोगों ने परचेस की है, बहुत लोगों ने, क्योंकि मुझे पता चलता है कि कितने लोग खरीद रहे हैं। वो एफिलिएट का काम होता है, उस पर मैं काम करती हूँ, बहुत सारे क्रिएटर घर रहे हैं, मैं भी करती हूँ। तो उसमें इतने लोगों ने उसको ख़रीदा और इतने लोगों ने सराहा, लेकिन उसमें कुछ लोग इतने मतलब घटिया, इतने घटिया सोच वाले लोग हैं, माफ़ करिएगा मुझे ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इतने मतलब इतने गंदे कमेंट, में क्या बताऊँ, मैं पढ़ के आपको सुना नहीं सकती। मैं खुद पढ़ती हूँ ना तो मैं उसको मतलब मेरा इतना हिम्मत नहीं करता दोबारा पढ़ पाऊँ। और किसके भी लाइफ में क्या चल रहा है, और किसी और को लेके भी मेरे चैनल पे बहुत कमेंट आए हैं। मैं चाहती तो उसको उठा के कब का वीडियो बना चुकी होती, बिलीव मी, लेकिन मैंने वो रिमूव कर दिया डर के मारे। अरे बाप रे, कुछ एक दो कमेंट रह भी गए थे, मतलब अदर अदर लोगों के नाम पे कमेंट आ रहे थे, मैंने तुरंत डिलीट किया। अरे नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, भगवान ना करे। लाइफ में ना मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, मैं तो कभी किसी चीज़ों में बिल्कुल नहीं आना चाहूँगी और ना मुझे ये आना पसंद है और ना मेरे फैमिली मेम्बर को। और अम्मा के पापा मेरे हर एक वीडियो को देखते हैं, याद रखिएगा, आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। मेरे अम्मा के पापा हो या मेरे भी पापा, मेरी फैमिली, मेरे बहुत क्लोज जो भी हैं, तो इससे बहुत इफ़ेक्ट होता है। जब गलत आने लगते हैं ना, तुरंत मेरे को बोला जाता है, तुरंत ऐसा नहीं है, बहुत फैमिली मेरी बहुत बड़ी है, ससुराल की हो या मायके की, और चीचा लेदर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी नहीं करना है। अभी हमारा पापा चाचा का जो मैटर है, अगर मैं सिर्फ वो यूट्यूब पे लिखा दूँ तो आपको रोज़ मज़ा आएगा सुनने में, रोज़ मुझे लाखों व्यूज़ मिलेंगे और मेरे अकाउंट में लाखों रुपये यूट्यूब की अर्निंग होगी, है ना क्या। लेकिन उसमें क्या होगा, उससे कुछ हासिल होगा, हासिल ये होगा फैमिली की बेइज्जती होगी। मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ ना उस मैटर पे, मेरे पापा तुरंत मेरे को कॉल करके तुरंत इतने तरीके से मुझे डांटते हैं ना कि नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, तरीका होता है नहीं, फैमिली की चीज़ें फैमिली में छोड़ो, या ससुराल की कुछ बातें हैं, लेकिन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये करने के लिए यूट्यूब पे नहीं आए हैं। अभी मैं पिछले एक महीने से रेसिपी वगैरह नहीं डाल रही हूँ आप लोग, क्योंकि मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ ना कुछ चीज़ों को लेके कि क्या बताऊँ। इससे पहले आप मेरे हर एक ब्लॉग में एक रेसिपी देखेंगे, हर एक ब्लॉग में कुछ नॉलेज की चीज़ें देखेंगे। ऐसा नहीं है कि एवे उठाया ब्लॉग बनाते गए, ऐसा नहीं था। आप मेरा 4 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ और इंसान कैसा है क्या है, मेरे को ना जो मेरे 10 पॉजिटिव कमेंट आते हैं ना, वो मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत हिम्मत देते हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें ना मतलब उनके चैनल पे होने लगी और उनका चैनल का एक्सेस है, मैंने पहले ही बताया, तो मैं रिमूव करती हूँ, पढ़ती हूँ उनके देखने से पहले, क्योंकि मैंने बताया कि वो लाइब्रेरी जाती हैं तो वो 3-4 बजे तक नहीं, वो फ़ोन अलाउ नहीं होता है वहाँ पे। बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं तो फ़ोन आप नहीं चला सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए नहीं करिए। उनका मनोबल बढ़ा सकते, सीटेट के लिए इतना अच्छा उसने वीडियो बनाया ना गोलू ने, अगर उसको आप देख लीजिए तो आज शायद आई थिंक कल या परसों में एग्ज़ाम है सीटेट का, कल है शायद। और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उनको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती, लेकिन अच्छी चीज़ें नहीं देखनी है, बस उन्होंने कुछ बोल दिया उस पर लेके बवाल मचा देना। मुझे इतना अच्छा अच्छा आइडिया है इस कंट्रोवर्सी के बीच में, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या लिखा था, हाथ धो रही हो, व्यूज़ कमा रही हो। यहाँ पे ना सब लोग व्यूज़ ही कमाते हैं, कोई बैठ के ना यहाँ पे, कोई चाहे वो छोटा बड़ा कोई भी क्रिएटर हो, मैं तो एक बहुत नॉर्मल एक छोटी सी क्रिएटर हूँ, सब दुनिया में जो भी है ना, आप किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर क्रिएटर का नाम ले लो, सब लोग यहाँ व्यूज़ के लिए हैं, कोई यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए तो है नहीं, सब लोग चाहते हैं। मैं भी यूट्यूब पे आई थी कुछ करने के लिए ही हूँ, कुछ कर ही रही हूँ, तो माफ़ करिएगा अगर मेरे कोई शब्द कठोर लगे हों तो, लेकिन बहुत चीज़ें हर्ट कर देती हैं यार, नहीं करिए, नहीं अच्छी लगती हैं चीज़ें, मतलब स्टॉप करिए, क्या बोलूँ मैं। लाइट जरा ईब वही रुमान में मेरा काम बा पल, हाँ तो जाता नहीं हम वैसे क्यों इन्वर्टर वो बोला था जाता
जाता नहीं हम पलंग पे कपड़ा चपोते के बाद। और देखिए शाम हो गया है धीरे धीरे, अरम्या के पापा जाएंगे मंदिर पूजा पाठ अपना करेंगे। तो बहुत हम लोग बहुत सिंपल साधारण लोग हैं, सो इस तरीके की चीज़ें ना करें। मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में। और मेरा ये कंट्रोवर्सी करने का या फिर कुछ भी करने का कोई शौक़ नहीं है, और ना मैं करना चाहूँगी, और ना भगवान करें कि कभी ऐसे दिन आए। तो कृपया करके इन सब चीज़ों से दूर रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन ले आइए।